सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आपने अगर मेरा पहला व्लॉग देखा होगा तो आपको पूरा ट्रिप मालूम पड़ गया होगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरा ट्रिप कितना बड़ा है, मैं कितना बड़ा पागलपन कर रहा हूँ। बट वो मैप जानने के बाद आपके मन में बहुत सवाल आ रहा होगा कि ये ट्रिप मैं पहली बार तो कर कैसे रहा हूँ, मेरा बजट क्या है, मैं क्या क्या सामान ले जा रहा हूँ, मेरा लगेज लोड क्या है, मैं कहाँ सोऊंगा। मैं आपके हर चीज का आंसर के लिए शायद हर एक सेपरेट वीडियो ना बना पाऊं, बट हाँ मेरे ब्लॉग में हर एक चीज का आंसर जरूर इंक्लूड रहेगा। लेकिन आज मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूं, वो है मेरे लगेज के ऊपर कि इस पूरे ट्रिप में मैं क्या ले जा रहा हूं, मेरे सर्वाइवल के लिए क्या क्या चीज हेल्प होने वाले हैं, और मैं किस तरह से मेरे जो ट्रिप का पूरा एक्सपेंस है उसको मैं कट कर रहा हूं। तो आइए एक नया वीडियो शुरू करते हैं, मैं क्या क्या इस ट्रिप पे ले जा रहा हूं। पहला चीज, मैं इस पूरे ट्रिप में दो लगेज लेके जा रहा हूं। ये है मेरा एक बैकपैक, ये है क्वेशुआ का, ये हमेशा मेरे कंधे के पीछे होगा, और ये है मेरा एक और बैग, ये हमेशा मेरे कंधे के आगे होगा, और इसमें मोस्टली वो सामान है जो मुझे हर दिन हर वक्त यूज होगा, और इस बैग में वो सामान है जो मुझे इन हैंड नहीं चाहिए, थोड़ी देर बाद मैं मान लो सुबह निकला हूं, मैं रात को मैं सोने जा रहा हूं तो मुझे शायद सामान लगे, बट तुरंत जो मुझे सामान चाहिए, जो मुझे एक्सेसिबल होगा, वो इसके अंदर है। अब आओ आपको बताता हूं हर एक बैग में मैं क्या क्या ले जा रहा हूं। पहली चीज, ये बेसिक चीज जो आजकल सबको चाहिए, वो है मास्क और सैनिटाइजर। इसमें मैंने क्या किया है आपको खोल के दिखाता हूं। मैंने इंडिया में डोमेस्टिक फ्लाइट्स बहुत किए और हर फ्लाइट के सैनिटाइजर बचे हुए थे, तो ये सारे सैनिटाइजर मैंने बचा लिया है। मेरे खाने पीने के लिए ये है कुछ बिस्किट्स, ये तो आज ही खत्म हो जाएगा फ्लाइट में। मैं एक डायरी कैरी कर रहा हूं जहां मैं पूरा हिसाब किताब लिखता हूं, मेरा आगे का प्लान क्या है, और ये डायरी में बेसिकली मेरा सब कुछ डिटेल है, मैं क्या प्लान कर रहा हूँ, कौन सा वीजा मैं कहाँ से लूंगा, इस डायरी में सब कुछ मैं लिखता रहता हूँ। ये मेरी डायरी है। मैं एक एक्स्ट्रा चश्मा ले जा रहा हूँ, ये चश्मा जो है ये प्लास्टिक का चश्मा है, और जो मैं चश्मा पहना हूँ ये मेटल का है। प्लास्टिक का इसीलिए बिकॉज जब मैं साइबेरिया पहुंचूंगा ये मेटल का चश्मा मेरी जान ले सकता है। आप सोचोगे जान कैसे ले सकता है, तो जान इसलिए ले सकता है कि वहां ठंड इतनी है, अगर कोई मेटल का पीस आपके चमड़े से चिपक गया तो आपका चमड़ा खींच लेगा, वो मेटल का पीस आपके बॉडी से बाहर नहीं आएगा। तो मुझे प्लास्टिक का चश्मा चाहिए, तो ये वो है। ये है मेरे कपड़े। इस कपड़े में मैंने दो जींस लिया है, दो ट्रैक पैंट लिया है, एक टी शर्ट और एक शर्ट जो मैं यहां से पहन के जाऊंगा, बस वो। और हाँ, ठंडी के लिए मैंने जो बॉडी वार्मर है वो लिया है, ये उसके अंदर है। ये जानबूझ के मैंने आगे वाले बैग में रखा है फिलहाल, बिकॉज मेरा जो लगेज है ये बहुत हैवी हो रहा था, जो फ्लाइट की कैपेसिटी है उससे भी हैवी हो रहा था ये, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ आगे डाल दिया। अब मैं जुगाड़ क्या कर रहा हूँ, ये कपड़ा है ये, और ये जो बैग है, जो हैंड बैग आप लेके जाते हो तो फ्लाइट में आपको सिर्फ 7 किलो आला होता है। अगर मुझे बोला नहीं आपका ये लगेज 7 किलो से आगे है, तो ये कपड़े हैं मैं सब पहन जाऊंगा, क्योंकि लगेज में अलाउड नहीं है लेकिन पहनने के लिए कोई मना नहीं है। तो ये है मेरा जुगाड़, इस तरह से मैं कुछ पैसे सेव कर लूंगा। ये है मेरा ट्रैवल अडेप्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूरा यूनिवर्सल ट्रैवल अडेप्टर है, इसमें यूरोप का पार्ट है, इसमें एशिया का पार्ट है, इसमें सब कुछ आता है। ये कुछ इंडिया के छुट्टे पैसे हैं, ये मैं जानबूझ के कैरी कर रहा हूं, बिकॉज अगर मान लो जब मैं कोई देश जाता हूं और मुझे वहां की कुछ करेंसी मिलती है ना, तो मुझे पर्सनली बहुत खुशी मिलती है, तो मैंने कुछ छुट्टे पैसे कैरी कर लिया है, जब मैं वहां जाऊंगा तो मैं वहां के लोग को बांटता जाऊंगा। ये है ब्लूटूथ स्पीकर, ये बहुत पुराना ब्लूटूथ स्पीकर है, ये मेरे ख्याल से इस चीज को 5 साल आराम से हो गए हैं। मैं बॉलीवुड लवर हूं, मैं ज्यादा हॉलीवुड गाना सुनता नहीं, मुझे जितना पुराना हिंदी गाना हो सलमान खान के वक्त के या कुमार सानू के, मुझे वो बहुत पसंद है, तो मैंने सारे गाने मेरे मोबाइल में डाउनलोड कर लिया है और रास्ते भर में वही सुनते जाएंगे। ये है टूथब्रश, मैं आपको एक और बता दूं, ये टूथब्रश मैंने खरीदा नहीं है, मैंने खरीदा है वो मेरे दूसरे बैग में है, बट ये टूथब्रश है, ये जब मैं यूएसए गया था तो मुझे कुवैत एयरवेज के फ्लाइट नहीं मिला था, मैं आज तक संभाल के रखा हूं, तो ये एक और पैसा आप कट कर सकते हो। ये है एक पोर्टेबल लाइट, जब मान लो मैं किसी अंधेरे में हूं
और मोबाइल का फ्लैश वहां पे इनफ नहीं है, तो ये लाइट मेरे काम आएगा। ये लाइट कुछ इस तरह से खुलता है और इसका मैं प्लस माइनस करके इसका जो इंटेंसिटी बढ़ा और कम भी कर सकता हूँ। इस बैग में मेरा रहेगा लैपटॉप, मेरे लैपटॉप का चार्जर, वो सब चीज मैंने उस रूम में रखा है, फिलहाल वो तरह चार्ज हो रहा है। अब आते हैं इस बैग पर। इस बैग में है मेरे पास एक जींस, एक कंबल। जब मैं यूएसए गया था तब मैंने कंबल लिया था, बहुत छोटा कंबल है बट बहुत वार्म है। मेरा 10 दिन का खाना, मैं कैरी कर रहा कुछ रेडी टू ईट, ये एक्चुअली बहुत सारे हैं। ये है दाल तड़का और जीरा राइस, ये कॉम्बो पैक है, ये दाल मखनी और बासमती राइस, और मैंने फाड़ के इसके अंदर शेजवान चटनी भी रख दिया है, बिकॉज शेजवान चटनी तो चाहिए भाई, तो जहां मैं जा रहा हूँ वहां पर मसाला का मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता नहीं, मुझे कुछ नमक हल्दी मिर्ची जो है वो चाहिए ही चाहिए। दूसरा चीज है अगेन दाल मखनी और बासमती राइस, दाल तड़का जीरा राइस और पालक पनीर। तो ये है मेरा एटलीस्ट 10 दिन का खाना। तो जब मैं पहुंचूंगा इस्तांबुल तो मुझे एटलीस्ट 10 दिन तक खाना खरीद के खाना नहीं पड़ेगा, मैं इसी को बना के खा सकता हूँ। तो 10 दिन का मेरा पैसा मैंने इस तरह सेव किया है। इनफैक्ट जब मैं आज घर से निकलूंगा तो मेरी मम्मी टिफिन बना के दे रही है ताकि जब मैं शारजा पहुंचूंगा तो मैं तब तक मेरे पास खाने का सुविधा होगा, मैं एयरपोर्ट पे खाऊंगा नहीं, मैं पैसे जितना हो सके बचाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है मेरा कुकिंग सेट, ये कुकिंग सेट भी है और ये एज अ टिफिन भी काम होगा। इसको आप खोलते हो तो ये सब पैन बन जाता है, ये पैन बन जाता है। इसके अंदर मैं रखा है हॉट एंड सोर सूप, मैगी मसाला, अगर मुझे खाना बनाना पड़ा तो वो तो पड़ेगा ही, डेफिनेटली पड़ेगा। ये मनचाओ सूप, ये एक बॉल है जो इसके अंदर ही आता है, तो अगर मुझे खाना खाना है तो मैं इसी के अंदर खा सकता हूँ, कोई सेपरेट मुझे कैरी करने की जरूरत नहीं है। और ये है पैन, मैं जब रेडी टू ईट बनाऊंगा, ये रेडी टू ईट क्या है कि आप इसको खोल के डायरेक्ट गर्म पानी में इसके अंदर बॉईल करना है, 3-4 मिनट में खाना पक जाएगा, तो ये उसके काम आएगा। अगर मान लो मैं किसी जंगल में हूं, मुझे खाना बनाना है, तो मैं वहां पर भी लकड़ी वगैरह काट के इसको रख के और खाना बना सकता हूँ। इसके अलावा मैं ले जा रहा हूँ एक वेशवा का विंटर जैकेट, ये जैकेट जो है ये -10 degrees तक सहारा देता है। -10 degrees ये कंपनी क्लेम करती है, बट मेरे अंदर मैंने जो बॉडी वार्मर है वो पहना रहूंगा, शर्ट पहना रहूंगा, टी शर्ट पहना रहूंगा, तो लेयरिंग तो ऑलरेडी रहेगा मेरे पास। और ये है मेरा स्लीपिंग बैग, ये एक चीज है जो बहुत भारी है, मेरा लगेज का वेट जो है वो यही बढ़ा रहा है, बट ये -10 degrees तक सहा देता है। और मैं इसको टेस्ट किया हूँ भाई, मुझे याद है मैं दार्जिलिंग गया था और दार्जिलिंग में जो ठंडी थी मैंने वो ठंडी शायद कभी एक्सपीरियंस नहीं की है। मैंने होटल का पूरा चद्दर कंबल सब ओढ़ लिया, मेरी ठंडी रुकी नहीं, बट जब मैं ये ओढ़ा मेरा बॉडी को बहुत गर्मी मिली। तो ये जो चीज़ है जो तो मुझे लेके जाना ही है। और मैं ले जा रहा हूँ मेरा टेंट, ये भी क्वेशवा का टेंट है, इसमें 2 लोग सो सकते हैं, बट मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, 2 लोग का जगह है तो एक जगह मैं पूरा मेरा सारा लगेज रख देता हूँ और एक जगह मैं सो जाता हूँ, ये उसके लिए है। इसके अलावा मैं और भी कुछ ले जा रहा हूँ, वो मैं आपको उस रूम में जाकर बताता हूँ। अब करते हैं बाकी चीज़ों की बात। ये है एक चेस्ट का बैग, ऐसा ही चेस्ट को अपने कमर पे जहाँ चाहे ला सकते हो। इसके अंदर मैं हमेशा मेरा पासपोर्ट रखता हूँ और थोड़े बहुत कैश रखता हूँ, मैं कभी भी सारे कैश एक जगह रखना प्रीफर नहीं करता हूँ, मान लो कोई सामान चोरी हो गया, कुछ हो गया, तो हमेशा बैकअप होना चाहिए। तो ये है, तो ये इसका मेरा पासपोर्ट है, ये हमेशा मेरे सीने से लगा रहेगा ताकि कुछ हो गया मेरा पासपोर्ट गुम नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया, ये मैं एक फाइल ले जा रहा हूँ, इस फाइल में मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स है, मतलब कोविड रिपोर्ट से लेके जन्म पत्रिका, मतलब जो बोलो, मतलब मेरे पास सब चीज़ लगा पड़ा हुआ है, मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा हूँ। इसके अलावा मेरा एडिटिंग जो है मैं मैकबुक प्रो पे करता हूँ, तो ये है मेरा मैकबुक प्रो। ये मैकबुक प्रो का एक पैर ऑलरेडी कवर में है, मतलब कवर में इसका मतलब है कि जब तक इस पर चार्जर ना लगाओ ये मैकबुक ज़्यादा देर बैकअप देता नहीं है, मतलब अगर मैं चार्जर निकाल दिया तो 2 मिनट में मैकबुक ऑफ हो जाएगा, तो इसका एक पैर कवर में आ गया है, तो बैटरी का प्रॉब्लम है। मैं जानबूझ के करा नहीं रहा हूँ चेंज, बिकॉज यार एप्पल का आपको पता है, आप कुछ भी करो मतलब किडनी बेचना पड़ जाएगा, ऐसा रेट होता है। वो है, अब ये मेरा सीपीयू है,
इस सीपीयू के अंदर, इस सीपीयू के अंदर एक एसएसडी ड्राइव है। अब मेरे अलावा मेरे घर पे कंप्यूटर यूज करने वाला कोई नहीं है, तो मैं एसएसडी की ड्राइव को निकाल लूंगा और ये एक एसएसडी ड्राइव का केस है, इसके अंदर मैं डाल के मेरे एसएसडी ड्राइव को एक्सटर्नल एसएसडी ड्राइव बना दूंगा। तो मैं वो कर रहा हूं। उसके अलावा मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है मेरे इंडिया का फ्लैग। ये इंडिया का फ्लैग जो है ये खादी भवन से लिया गया है। खादी भवन है हुबली में, और पूरे इंडिया में आप जितने फ्लैग देखते हो वो ऑफिशियल फ्लैग नहीं होता है। ऑफिशियल फ्लैग से मेरा मतलब है इंडियन फ्लैग का भी एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि उसको किस कपड़े बनाना है, क्या डिज़ाइन होना चाहिए, मतलब हर एक डिटेल। वो इंडिया में सिर्फ एक ही जगह होता है, वो है खादी भवन हुबली में, जो आता है कर्नाटका में। ये मैंने वहाँ से लिया है, आप ये अमेजोन से ले सकते हो। आप ये जो व्लॉग देख रहे हो ये देख रहे हो मेरे GoPro Hero 9 में। ये GoPro Hero 9 का नया सेटअप पूरा, ये GoPro Hero 9 का एक पूरा नया सेटअप है। इस GoPro Hero 9 को मैं एक एक्सटर्नल माइक इससे यूज करता था, बट मैं अब हटा दिया हूँ बिकॉज ये माइक जो है बहुत अटेंशन ग्रैब करता था। फिर मैंने ले लिया उसका एक मीडिया मॉड, तो इस वजह से जो मेरा GoPro है ये बहुत ही छोटा सेटअप बन गया और ये ज़्यादा अटेंशन ग्रैब नहीं करता है, तो मैं अब ये यूज़ कर रहा हूँ। बट मैं ये माइक ले जा रहा हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ का बैकअप रखता हूँ, तो ये बैकअप वाला काम करेगा। इसके अलावा ये केस है, इसके अंदर एक ईयरफोन है और मेमोरी कार्ड का एक्सटर्नल अडेप्टर है, जो बहुत बेसिक चीज़ है वो सब चीज़ में रखता हूँ मैं। उसके अलावा ये मैकबुक का एक डोंगल है, ये एक माउस है जो मैं ले जा रहा हूँ, और ये एक एक्स्ट्रा फ़ोन है मैं ले जा रहा हूँ। बाय द वे मैं एक चीज़ बताना भूल गया, मैंने रिसेंटली एक नया फ़ोन लिया है, वो है MI का 11X। मैं जानबूझ के लिया हूँ बिकॉज ये फ़ोन का प्रोसेसर थोड़ा पावरफुल है और 128 GB स्टोरेज है, जस्ट इन केस, भगवान ना करे ऐसा हो, अगर मजबूरी आ गई, मेरा मैकबुक ख़राब हो गया, तो GoPro को मैं अपने मोबाइल से भी एडिट कर सकता हूँ। ये मैंने उसके लिए लिया है। ये जो फ़ोन है इसके अंदर मैं सारे मूवीज़ Amazon Prime से मैंने सारे मूवीज़ डाउनलोड कर लिया हूँ, पुराने पुराने गाने डाउनलोड कर लिया हूँ, मैं रास्ते में वही सुनूंगा। ये हो गया, ये है मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेशन। ये मैं एक एक्सटर्नल चार्जर ले जा रहा हूँ, इसके अंदर आप चार वायर लगा सकते हो। ये एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड ले जा रहा हूँ, ये कुछ USB केबल्स है। इसके अलावा ये है सारे टॉयलेट्रीज, इसके अंदर इलेक्ट्रॉल पाउडर है, शैम्पू है, साबुन है, इजगार्ड है, ये एक शैम्पू है, कुछ लॉन्ग ले लिया हूँ, ये एक टूथपेस्ट है। अब इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है पावर बैंक। मैं ले जा रहा हूँ 3 पावर बैंक। ये MI का 20,000 mAh है, ये Redmi का 20,000 mAh है, ये Amber का 27,000 mAh है। होता ये है कि फ्लाइट में भी पावर बैंक ले जाने का एक लिमिटेशन होता है, तो हर पावर बैंक के पीछे आप एक लिखा होगा वॉट आर, मतलब WH, इसका एक मेजरमेंट का यूनिट होता है। तो 100 वॉट आर्स के ऊपर पावर बैंक जो होते हैं वो फ्लाइट्स में अलाउड नहीं होते हैं। ये 99.9 वॉट आर्स वहाँ तक का लिमिटेशन है, मैं ये फ्लाइट में अलाउड है, मैं ये पावर बैंक ले जाऊँगा। और इनफैक्ट ये 3 पावर बैंक ही मेरे ख्याल से 1.5 किलो का है, मेरा लगेज का 1.5 किलो वेट सिर्फ यही बढ़ा रहे हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है ये, बिकॉज मैं जो GoPro है मैं 4K में शूट कर रहा हूँ, 1080 में नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे बैटरी बहुत जल्दी कंज्यूम हो रहा है, तो मैं पावर बैंक मुझे चाहिए। मैं जस्ट ये ब्लॉग एडिट कर रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसे बहुत सारे आइटम हैं जो मैंने इस ब्लॉग में बताया नहीं है, बिकॉज वो आइटम है बहुत बहुत छोटे बट है यूज़फुल। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, मैं वो सारे आइटम का जो नाम है मैं अपने जो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ डाल दूंगा, और उसके साथ उसका लिंक भी डाल दूंगा, जस्ट इनकेस आपको अगर वो चीज़ चाहिए होगा तो आप उस लिंक के थ्रू खरीद सकते हो। तो दैट्स इट, आज के व्लॉग में यही ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में आप देखोगे मेरा टर्की तक का जर्नी। मिलते हैं आपसे जल्द ही, बाय बाय।